क्वेश्चन 10 देखिए, इन द गिवन फिगर पीटी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल। ये जो पीटी है ये इस पर एक टेंजेंट है, एंड टीपीओ एंगल है वो 35 डिग्री है, तो ये वाला एक्स एंगल हमें बताना है। तो आप हम ये जानते हैं कि जो ये रेडियस है दिस इज सेंटर, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है। एंगल पी टी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज हम कह सकते हैं कि ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ ये एंगल हो गया 90, ये 35। इन ट्रेंगल टी पी ओ ले लेते हैं, इन ट्रेंगल टी पी ओ मैं करने क्या वाला हूं, मैं इस एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल निकाल दूंगा, फिर इन दोनों एंगल्स का सम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो 180 होगा, और फिर हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये तो एंगल हो गया 90 डिग्री प्लस, ये एंगल हो गया 35 डिग्री प्लस एंगल टी ओ पी, एंगल टी ओ पी इन सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इसको इधर ले आइए, एंगल टी ओ पी हमारे पास आ गया 180 डिग्री माइनस 125, 10 माइनस 5 इज 5, यहां पे आ गया 10 माइनस 5 इज 5, एंड यहां पे दिस इज 7 माइनस 2 इज 5, 55 डिग्री। नाउ दिस एंगल, एंगल टी ओ पी प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल एक्स 180 डिग्री का होगा। आप कह सकते हो कि लाइनर पेयर एंगल्स, लाइनर पेयर एंगल्स हैं। तो टीओपी तो हमने अभी निकाला 55 डिग्री का है, एंगल एक्स हमें निकालना है 180 डिग्री, इधर ले आओ, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री इज 125 डिग्री, तो एंगल एक्स हमारे पास 125 डिग्री हो गया। क्वाइट सिंपल लॉजिक हमने यहां पर लगाया है, पहले तो ये एंगल 90 का होता है हमें पता है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके ये वाला एंगल निकाल लिया, इन दोनों का जो सम है वो 180 होगा बिकॉज दे आर लाइनर पेयर, तो यहां से x की जो वैल्यू है वो हमें यहां पर मिल गई है।